नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में। और मैं अभी हूं एक 80 के सबसे खास चाय वाले दुकान के सामने, जिनका नाम है पप्पू चाय वाले, जो भारत ही प्रसिद्ध नहीं विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं जो पप्पू चाय वाले हैं उनके लड़के वो बैठे हुए हैं और अंदर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इनके जो चाय का आनंद है ये बनारस में, बनारस ही नहीं पूरे विदेशों में भी जाना जाता है। आप कई मूवीज जैसे देखे होंगे जहाँ पर इनकी चाय की व्याख्यान की गई है। तो ये 80 चौराहा है और वाराणसी बनारस में मैं इनके दुकान के सामने हूँ और मैं जानूंगा ये जो लीकर की चाय बनाते हैं। मैं बता दूं आपको, लीकर की चाय जो होती है अंग्रेजों के ज़माने से बनी आती है, वो लीकर की चाय इनके यहाँ मिलती है और बनारस में कहीं नहीं मिलती है, शायद दो तीन जगहों पर मिलती है। और सबसे पुरानी जो लीकर की चाय वाली दुकान है वो इन्हीं की है। तो इस चाय की खासियत ये होती है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं टोकरी नुमा चीज़ रखे हैं, उसमें ये चाय पत्ती पहले से डालते हैं और उस चाय पत्ती के ऊपर से गर्म पानी गिरा करके और चाय के ग्लास में डालते हैं। तो यहाँ पर ये है सबसे बड़ी बात है इनके दुकान की, कि लोग यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दे के साथ आते हैं और चाय का आनंद लेते हुए कई ऐसी चीज़ों पर, राजनीतिक चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों पर चर्चाएँ करते हैं। तो फिलहाल अभी आप इनके चाय को देखिए और ये आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं ये, ये देख सकते हैं आप। ये है लीकर की चाय जो अभी घुमा रहे हैं बिल्कुल। तो आमतौर पे ये चाय कहीं देखने को मिलती नहीं है, जो यहाँ पर मिलती है और अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके उनको ये पिलाएंगे देंगे। तो ये है लीकर की चाय। और चलिए मैं कुछ बातें करता हूँ अंदर के लोगों से, फिर इनके पास मैं लिए चलूँगा। और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं चर्चा परिचर्चा के लिए, आप देख सकते हैं अंदर से लेकर के बाहर तक ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है। आज संडे का दिन है, रविवार के दिन छुट्टियों का दिन रहता है और ढेर सारे ऑफिस जो लोग भी होते हैं यहाँ पर बराबर लगा ही रहता है। तो मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा सभी लोगों से। सर, यहाँ पर बराबर आपका आना जाना होता है इस चाय की दुकान पे? जिंदगी गुजर गई जी, यहाँ पर बराबर आप लोगों का आना जाना होता है 50 साल से। अच्छा, पिक्चर बन गई तो क्या जी? हाँ, मोहल्ला 80 का यही तो बनी है ना। अच्छा जी जी, हाँ हाँ, वही हम जान कर आए हैं। अच्छा, मैं सुना हूँ कि लीकर की चाय बनारस में कुछ ही दुकानों में मिलती है, उन दुकानों में ये सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी दुकान है। सबसे पुरानी, आप यहाँ 50 साल से आते हैं और तब 50 साल पहले और अब 50 साल बाद में आप इनके चाय की क्वालिटी में क्या अंतर देखते हैं? लगभग वही है। लगभग वही है। अच्छा, लगभग वही है। अच्छा, उस समय इनके पिताजी बनाया करते थे? दादा बनाए, दादा बनाते थे, उसके बाद इनके पिता बनाए, उसके बाद ये बना रहा जी, उसके बाद बनाने वाले तैयार है। अच्छा अच्छा, ये बनारस में और कहीं लीकर की चाय यहाँ इसके बाद इस दुकान के बाद से शायद एक आध दुकान शायद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा 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 अच्छा, ये चाय यहाँ पे चाय पीना महत्वपूर्ण है कि लोगों के साथ बैठ के बातें करना महत्वपूर्ण? दोनों चाय तो बहाना होता है, चाय बहाना होता है, गेट टुगेदर होता है। जी जी जी, पॉलिटिकल सेंटर है जी, बिगेस्ट पॉलिटिकल सेंटर इन वाराणसी। वाराणसी पप्पू चाय की बनारस सबसे मुख्य पॉलिटिकल सेंटर है। जी जी जी। अच्छा, आप 50 साल पहले जब पीते थे चाय यहाँ पे, तो उस समय क्या रेट रहता था चाय का? चार आने बताइए, 4 आने से 10 रुपए ये चाय का उद्भवन है। अच्छा, तो आप लोग ज्यादातर लोग आप लोग सब एक ही साथ होते होंगे आसपास के लोग? दरअसल यहाँ पर जो है जी, खास तौर पर विश्वविद्यालय के अध्यापक छात्र और वकील है, डॉक्टर है, अलग अलग पेशों के लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा, अच्छा। और गप चलती है, मतलब गप का मतलब आपस में गेट टुगेदर करते हैं, बातचीत करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, कोई घटना घटी हुई समाज में उन पर बहस होती है, बातचीत होती है। जी जी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि चाय की दुकान पे बैठे बैठे बहुत लोग ऐसे राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ? ये सही बात है। सही बात। उनमें कुछ प्रमुख नाम अगर आपको रिमाइंड हो रहा हो तो?
कलराज मिश्री है। कलराज मिश्री यहाँ पर चाय, महेंद्र पांडे है, अच्छा मनोज सिन्हा है, जी जी जी, तमाम लोग यहाँ पर चाय पीते पीते। राहुल राहुल जी और ये भी खुद है प्रवक्ता के बाबू है, अच्छा और के ऊपर बैठ करके इनके लड़के प्रवक्ता है बीजेपी के, अच्छा अच्छा जी अशोक पाड़े जी, अच्छा जी जी जो अभी पैदा नहीं, मैं 70 साल से ईसाई हूँ, 70 साल से जब इसका आजाद था तब से हूँ जी, उस समय 10 पैसे की चाय मिलती 10 पैसे और पूछते थे कौन सी चाय पियोगे, हाँ क्या नाम है, आज भी मौजूद हूँ और मैं 90 साल का हूँ, मुझे उम्मीद है मैं 70 साल और मौजूद हूँ जहाँ तक ख्याल है। बिल्कुल अब आगे आए राजनीति पर चलिए, वैसे इसका इसका एक लड़का भी है वो भी बहुत अच्छा जो कि मालूम होता है कि इसको चलाएगा आगे चलाएगा। तो देखिए ये 3 से 4 पीढ़ियों का मिला जुला दुकान है पप्पू चाय की दुकान 80 चौराहे पे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस चाय की इतनी विख्याति है कि लोग यहाँ पर बहुत दूर दराज से आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिस मुद्दों पे ये चर्चा करते हैं परिचर्चा करते हैं वो मायने रखता है, लोग बहुत दूर दूर से अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले हैं और सारे लोगों की जुबान पे यही है। अच्छा आप लोगों में समानता का भाव जो है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो यहाँ पे जो कुछ रोजमर्रा के जिंदगी में काम करने वाले लोग होंगे वो भी आते होंगे, तो उनको भी आप वही जगह देते हैं अपने संगत में। देखिए मेरी सब लोग बराबर है, बराबर है, मेरी अड़ी है जी, सभी लोग बराबर है, ये अड़ी जो है सात बजे से 10 बजे तक है जी, यहाँ पर जो जन लोग बैठे हैं जैसे प्रोफेसर वगैरह, इसके बाद अड़ी में और आते हैं क्योंकि 10 बजे तक आपकी सेवा हम लोग कर सकते हैं जी, और ये अड़ी में सभी आते हैं अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। अरे आप विचार है प्रोफेसर है बी एच के जी जी, आप जो है इंश्योरेंस के ऑफिसर है, आप जो है डायरेक्टर बन जाएंगे, अगर वो आज भी आ जाते हैं पत्रकार के बहुत बड़े पत्रकार, अच्छा 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 जी, देखिए अच्छा।